दोस्तों, क्या आप जानते हो कि आपके आधार कार्ड में एक ऐसा फीचर्स होता है कि उसकी मदद से आप जान सकते हो कि आपने कब कब क्या क्या अपडेट करवाया है अपने आधार कार्ड में, और जो आपका पुराना आधार कार्ड था उसमें क्या डिटेल्स थी पहले, पूरी डिटेल्स आप एक क्लिक में जान सकते हो। तो अगर आप पूरी प्रोसेस जानना चाहते हो तो वीडियो के साथ अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। मैं रानू स्वागत करता हूँ आप सभी लोगों का हमारे और आपके इस यूट्यूब चैनल स्मार्ट टेक में। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि मैं यहाँ पर ऑनलाइन फॉर्म्स और एजुकेशन से रिलेटेड वीडियोज अपलोड करता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर, जानते हैं पूरा प्रोसेस किस तरीके से यहाँ पर आपको चेक करना। अब दोस्तों, यहां पर आपको करना क्या है कि यहां पर गूगल ओपन कर लेना है। गूगल पर सिंपली यहां पर टाइप कर देना है आधार कार्ड। यहां पर जैसे ही आप आधार कार्ड लिखकर सर्च करोगे तो पहली लिंक आ जाएगी uidai.gov.in। तो यहां पर आपको फर्स्ट लिंक पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिलने वाला है। यहाँ पर ऊपर की तरफ माय आधार के ऑप्शंस पर आपको आ जाना है। यहाँ पर देखिए, आधार अपडेट हिस्ट्री का एक कॉलम लिखा दिखाई देगा आपको, सिंपली यहाँ पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद एक नया टैब ओपन होगा, वहाँ पर एक नई लिंक खुल जाएगी। यहाँ पर सिंपली आपको अपना आधार नंबर डाल देना है। आधार नंबर डालने के बाद यहाँ पर आपको पिक्चर कैप्चर डाल देना है। पिक्चर कैप्चर डालने के बाद यहाँ पर आपको सेंड OTP के बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करोगे तो देखिए यहाँ पर सेंड OTP लिखा आ जाएगा, मतलब कि जो भी नंबर रजिस्टर्ड है उस नंबर पर एक OTP जाएगा। अब आपको मोबाइल उठाना है, मोबाइल में से OTP देखना है, जो भी OTP हो आपको यहां पर टाइप कर देना है। टाइप करने के बाद यहाँ पर सबमिट बटन पर टिक कर देना है। तो देखिए, अब यहाँ पर जैसे कि चेक योर अपडेट हिस्ट्री यहाँ पर लिखा आ रहा है ना, तो यहाँ पर आपने जब जब जितनी बार भी अपना आधार कार्ड करेक्शन करवाया हुआ उसकी पूरी डिटेल्स यहाँ पर आ जाएगी। जैसे कि ये रिकॉर्ड है आपका, फर्स्ट रिकॉर्ड आपका ये रहा, मतलब कि आपने देखिए यहाँ पर लिखा हुआ अपडेट 17 जनवरी 2018 को आपने यहाँ पर बायोमेट्रिक के थ्रू अपडेट करवाया था। यहाँ पर ईमेल आईडी रजिस्टर्ड करवाई होगी, जितनी चीजें भी आपने अपडेट कराई होंगी वो सारी चीजें यहाँ पर शो कर रही हैं। अब इसके पहले का जो आधार कार्ड मेरा था, देखिए यहाँ पर रिकॉर्ड 2 लिखा हुआ है, 7/1/2016 में अपडेट करवाया गया था, ये जो पूरी डिटेल है। लेकिन यहाँ पर जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ, यहाँ पर मैंने 2 बार अपडेट करवाया था अपना आधार कार्ड, जिसमें मैंने अपनी फ़ोटो और ईमेल आईडी वगैरह चेंज करवाई थी, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और फोटो चेंज करवाई थी। तो उसकी डिटेल्स तो यहाँ पर पुख्ता तरीके से शो कर रही है, मतलब कि ये जो ऑप्शन दिया गया है वो 100% वर्क कर रहा है। तो इसी तरीके से अगर आप भी अपने आधार कार्ड की हिस्ट्री चेक करना चाहते हो, अपडेट हिस्ट्री, तो आप भी कर सकते हो। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ यहाँ पर आज की वीडियो आप सभी लोगों को पसंद आई होगी और समझ में आ चुका होगा यहाँ पर आपको कैसे चेक करनी है अपडेट की गई जानकारी, और पहले क्या जानकारी थी और अब क्या है, पूरी डिटेल समझ आ चुकी होगी। तो चलिए दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कमेंट करना ना भूले, साथ ही साथ इंस्टाग्राम आईडी पर भी फॉलो करें। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।